देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज ऑफ 2×10⁻⁵ कूलम्ब ईच आर बाउंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए यदि क्यू चार्ज, दो क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे हो, दो क्यू चार्ज यदि आर डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स क्या लगता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये फोर्स लगता है। यदि इसको डी आर डिस्प्लेस किया जाए, इसको यदि डी आर डिस्प्लेस किया जाए तो वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू एफ डी आर होगा, है ना, वर्क क्या होगा, एफ डी आर होगा। फोर्स किस तरफ लग रहा था, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसी तरफ, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स को क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, फोर्स कौन सा इधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये जो वर्क डन निकलेगा, ये इलेक्ट्रो वर्क डन किसके द्वारा निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, आर से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क होगा वही वर्क इन्फिनिटी से आर तक ले जाने में होगा, ठीक है। तो आर से इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, आर से इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, ठीक है। और ये वर्क जीरो टू डब्ल्यू हुआ, ठीक है। और इस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुट कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए डब्ल्यू के जगह पे, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस वन बाय आर, ठीक है, आर से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट कर दीजिए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर के हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इस तरीके से, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी का, तो यू का जो वैल्यू आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेशन करके भी बना सकते हैं, फोर्स का इक्वेशन के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लिख के डी आर से मल्टीप्लाई करके यही आएगा इक्वेशन। तो के का वैल्यू 9×10⁻⁹ आ गया, क्यू स्क्वायर का वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 2×10⁻⁵ का स्क्वायर कर दीजिएगा, और सेपरेशन में कितने सेपरेशन में लेके आ जाना है इसको, 10 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, ये 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶, यहाँ 10⁻⁻⁶, तो 36 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी होगा।